असलकुम जी कैसे हैं आप सब लोग uh, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है देन फिर हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे ओके okay, आज थर्सडे है इस वीक की हमारी जो है सेकेंड लास्ट क्लास है तो आप लोगों का आज के दिन जो है वो फीडबैक फॉर्म भी एक्टिव होता है आप लोगों ने अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवाना है उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर आ, हमारे एडमिशंस ओपन है ई रोजगार के नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा नेक्स्ट बैच के लिए तो आप लोग प्लीज अपनी जो आ, अपने सर्कल में जो है अपने फेसबुक टाइम पे ये पोस्ट जो है आप लोग शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो ग्रेजुएट हैं वो ये कोर्स जो है ये ट्रेनिंग ले सकें और जिस तरह से आप लोग चीजें सीख रहे हैं नई नई वो भी सीख सकें तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये मैसेज हमारा कन्वे हो सके उसके अलावा यहाँ पर एब की जो आ, लिस्ट है वो भी शेयर कर दी गई है आप लोग इसको भी चेक कर लिया करें अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई होती है या आपने की है और वो हमारे तक जो है वो मार्क नहीं हुई उस हवाले से जो है वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं डॉक्टर्स क्या कोई भी प्रोफेशन से पर्सन है और वो अगर उसकी वो ग्रेजुएट है ईयर एजुकेशन uh, उसकी कंप्लीट है तो वो जरूर कर सकता है उसमें कोई इश्यू नहीं है उसके अलावा यहां पर जो है आज आपका फीडबैक फॉर्म जो है वो एक्टिव है तो प्लीज आप सब लोग ई रोजगार कैंडिडेट पोर्टल पे जाके अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ ओके ओके Uh, बिल्कुल आप लोग ये कर सकते हैं इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं कोशिश कर रहे होते हैं उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा होता तो वो इसी तरह से कहते हैं कि वो ऐड है, करते हैं जिसपे उन्हें बहुत सारे लोग जो हैं वो जवाब में जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं और उनसे उनको आइडिया होता है कि ओके फाइन एक तो ये कि क्लाइंट को किस तरह से आपकी बाय रिक्वेस्ट शो होती है उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे लोग जो किस तरह से लोग अप्रोच कर रहे होते हैं आप देखें उसमें से आपको सबसे बेस्ट बाय रिक्वेस्ट किसकी लगती है एंड देन आप उसी को आगे फर्दर जो है वो अपने कंटेंट uh, के लिए यूज कर सकते हैं uh, तो वो आप लोग कर सकते हैं उसमें कोई ऐसे इश्यू नहीं है आज मैं आपको जो है मैंने वैसे आपको आई थिंक so, uh, इसी वीक में मैंने आपको जो है ट्यूजडे को मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया था कि बाय रिक्वेस्ट कैसे आपने पोस्ट करनी होती है उसके बाद जो है देन जो है वो किस तरह से आपने आ, काम करना होता है तो उसको जो है वो जरूर चेक कर लीजिएगा वो आप लोग कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसे इश्यू नहीं है ओके फाइन थैंक यू आपने मुझे रिमाइंडर करवा दिया मैं आपको अभी जो है आप लोग शेयर कर देती हूँ uh, कि किस तरह से जो है वो आप लोग इमेजेस फाइंड कर सकते हैं वो इमेजेस जिनके कॉपीराइट्स के इश्यूज नहीं होते हैं और उसके अलावा जो है वीडियोस पिक्चर्स का म्यूजिक का बिल्कुल वो आपको सब चीजें मैं आपको बता देती हूँ तरीका का क्या होता है जिससे आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं तो उस हवाले से जो है वो आपको पता चल जाएगा ओके लास्ट डे अप्लाई करने की अभी ऐसे हमारे पास नहीं है लेकिन लास्ट डेट भी वो आपको मेंशन कर दी जाती है और अभी आई थिंक तो काफी टाइम है एक महीने का टाइम तो है जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको अच्छा जी आप तक पैकेज सेट नहीं हो रहे हैं आपने बैकग्राउंड रिमूव करने की जो है वो गिग बनाई हुई है ओके फाइन पैकेजेस आप लोगों के देखे किस तरह से है फॉर एग्जाम्पल आप दो इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करके दे रही हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव डॉलर में तो अगर आप फोर का करके दे रही हैं तो टेन डॉलर्स में कर लें एंड देन अगर आप सिक्स या सेवन एट का करके दे रही हैं तो वो आप फिफ्टीन डॉलर का कर लें ओके okay, जी वेलकम अच्छा जी सबसे पहले यहाँ पे इमेजेस की बात करते हैं कॉपी जो इशू होता है इमेजेस का अगर आप किसी भी वेबसाइट से इमेज उठा के यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आप गूगल से ही जो है वो डाउनलोड करके इमेज यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो जिस वेबसाइट पे आप वो इमेज लगाते हैं उस पर कॉपी राइट्स का इशू आ जाता है कॉपी राइट्स का इशू क्या होता है कि आपने किसी और की जो इमेज यूज की है उसके पीछे तो उसके उसी के पास उस पर्सन के पास होंगे ना तो इस तरह से बहुत दफा ऐसा होता है कि वो आपको सू भी कर देता है uh, कोई भी वेबसाइट वाले क्योंकि उनका खुद का कंटेंट है उनके उन्होंने खुद से वो इमेजेस जो है वो बनवाई होती है शूट करवाया होता है पेड तो वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप उनकी इमेजेस जो है यूज करें तो अगर आप करते हैं तो उस पर वो आपको सू कर देता है उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे या फिर जो है आ, आ, कोई भी ऐसा आपको रिपोर्ट कर देंगे आपके बारे में तो देन आपको जो है उस पर मे भी समटाइम जो है वो फाइन पे करना पड़ता है कि आपने किसी की वेबसाइट से जो है वो फ्री इमेज जो है वो यूज की है अपनी वेबसाइट पे अच्छा जी अब यहां पर जो है आपने सिंपल यहां पर अगर आप लिखें फ्री कॉपीराइट इमेजेस तो आपको मिल जाएंगी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फ्री कॉपीराइट म्यूजिक है फ्री कॉपीराइट इमेजेस थे और यहाँ पर आपको ये काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इमेजेस पे जाना है इमेजेस पे जब आते हैं आप तो यहां पर ये यह कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिनपे बहुत ज्यादा डाटा आपको मिल जाता है आपने यहाँ पे क्या करना होता है जैसे कि ये वेबसाइट मैंने ओपन की है अब आपने यहाँ पर सिंपल ये पिक्जर्स डॉट कॉम इसका नाम है इस वेबसाइट का और आपने सिंपल यहाँ पर जो भी आपने चीज सर्च करनी है इमेज सर्च करनी है आपने यहाँ पर लिखना है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड जो है इमेजेस uh, फाइंड करना चाह रही हूँ मेरी एक वेबसाइट है मुझे शॉपिंग से रिलेटेड उस पर जो है वो इमेजेस लग, uh, लगानी है एड करनी है तो मैं ये इमेजेस जो है यूज कर सकती हूँ ठीक है अब यहाँ पे ये जितनी भी इमेजेस हैं ये सारी के सारी क्या है फ्री इमेजेस हैं आप इसको फ्री में डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं ये अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं आप इनको जो है वो अपने वेबसाइट पे अपने सोशल मीडिया पे आप लोग यूज कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मजीद बताती हूं काफी सारी इमेजेस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं ये वो इमेजेस हैं जिनके कॉपीराइट्स के इशू नहीं होते हैं तो यहाँ से जो है कि आप यूज कर सकते हैं आ, इवन ये वेबसाइट भी है यहाँ पे भी सिंपल आपने जो है आ, अपनी जो भी आपको वेबसाइट चाहिए है ओके okay, अब यहां पर मैं आपको एक जो चीज बताना चाह रही हूँ डिफरेंस बताना चाह रही हूँ वो ये देखें कि ये इमेज जो मैंने यहाँ पे ओपन की है ये क्या है पेड है अगर मैं इसको बाय करना चाहती हूं तो उसके लिए मुझे ट्वेल्व डॉलर जो है वो पे करना पड़ेंगे ठीक है ये फ्री इमेज नहीं है इसके ऊपर ये इनका वाटर मार्क भी लगा हुआ है आपने अगर इसको यूज करना है तो आपको उसके लिए ट्वेल्व डॉलर पे करना पड़ेंगे उसके अलावा ये जो इमेजेस हैं ये इमेज जो यहाँ पर अवेलेबल है अगर मैं इनपे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और ये इमेजेस अगर आप देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी में है इतनी अच्छी क्वालिटी में कि आप इन इमेजेस को यूज करके फॉर एग्जांपल आप इसको जो है वो डाउनलोड करके सेव करके आप लोग अपने कंटेंट के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं ठीक है Uh, जिस तरह से मैंने अभी एक एम एस जो है ओके okay, अब यहाँ पे साइजेस भी आ रहे होते हैं जब आप इसको डाउनलोड पे करोगे तो यहाँ पे कुछ साइजेस भी आ रहे होते हैं उसमें से आपको जो भी बेस्ट साइज लगता है एंड देन आप उसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay. ये तो तरीकाकार हो गया पेड और अनपेड uh, जो इमेजेस हैं उनके हवाले से कि उनको किस तरह से आपने डाउनलोड करना और क्या चीजें हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं इवन आप बहुत सारे लोगों को डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो यहाँ से uh, जो है सेलेक्ट करके दे सकते हैं हाई क्वालिटी इमेजेस बिल्डिंग्स की है शॉपिंग कार्ड से रिलेटेड है ग्रोसरी से रिलेटेड है वो फाइंड करके दे सकते हैं उसका भी फाइवर पे बहुत ज्यादा डिमांड uh, में ये सर्विसेस होती है अच्छा जी अब यहाँ पर जो है मैंने अभी आ, आपको जो है प्लीज टॉपिक से रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा आप लोग करें इस पर कॉपरेट के सवाल करें बाकी इनशाला आपके जितने भी सवाल हैं जितनी भी क्यूरीज हैं वो मैं सॉल्व करती हूँ अब यहाँ पर जिस तरह से कि मैंने अभी आपको इमेजिस के बारे में बताया है बाकी अगर आप यहाँ पे ही जो है यहाँ पे जहा पे मैंने सर्च किया है इसपे आप लिखते हैं म्यूजिक ठीक है तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आ रही होती है आप इसी को चेक करो यहाँ पर आपको जो है वो फ्री में फ्री कॉपी कॉपीराइट्स के जो म्यूजिक होते हैं वो आपको मिल जाएगा आप यहां से डाउनलोड करके आप वो ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में बैकग्राउंड में ताकि उस पर जो है वो म्यूजिक एक तरह से अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हैं ठीक है तो ये म्यूजिक है जो कि आपको का इशू इन ये जो यहाँ पे म्यूजिक है बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है तो आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं ओके uh, इमेजेस okay, का म्यूजिक का आपका हो गया कि किस तरह से आपने फाइंड करना किस तरह से आपने देखना है uh, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपने अपनी इमेज का जो है बैकग्राउंड uh, कैसे रिमूव करना है ठीक है तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन ऑनलाइन फोटोशॉप जब आप ऑनलाइन फोटोशॉप लिखेंगे इसमें फर्स्ट uh, जो आ रही है वेबसाइट फोटोपिया डॉट कॉम इसपे आपने जो है इसको कर लेना है और सिंपल आपने यहाँ पर आए तो ये आपके पास इस तरह से जो है ये ओपन हो जाएगा ठीक है ये टूल जो है वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा आप चाहें तो उसको यहाँ से क्रॉस कर दें ठीक है तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा अब फोटोशॉप जो वैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं इमेजेस की और इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं बैनर क्रिएट कर सकते हैं वो काफी हैवी होता है हर एक सिस्टम पे जो है उसको हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं और उस पर जो है वो अगर आप काम करते हैं समटाइम आपका सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा स्लो भी हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन ये आपके पास टूल है ये सेम वर्क करता है बट ये है कि इस पे आपका पास ऑनलाइन होता है इस उसमें आपके सिस्टम पे जो है वो उस तरह से नहीं हो रहा होता कि इसका जो है आपका सिस्टम रिस्पॉन्स करना छोड़ दे आप लोग ऑनलाइन यूज कर लें ज्यादा बेहतर है अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आपने जाना है फाइल पे ठीक है ये फाइल का पहला ऑप्शन है मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ ओके okay, खैर ये टूल जो है ये इस पे जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा आपने फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टैब ओपन होगा जिसमें आपने अपनी जो भी इमेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करनी है अपलोड करनी है अब यहाँ पर जो मैंने इमेज अभी देखी थी मैंने वही इमेज जो है यहाँ पर इसको के लिए यहाँ पर ऐड अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका बैकग्राउंड जो है जो ग्रे सा आ रहा है यहाँ पर मुझे इसको रिमूव करना है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके पीछे जो है वो रेड कलर का या कोई भी, भी और जो है वो बैकग्राउंड ऐड कर लू तो उसके लिए हम क्या करेंगे बहुत ही इजी सा एक टूल है यहाँ पे रेजर टूल होता है अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरा जो इसका बैकग्राउंड है वो इसको रिमूव कर रहे है और ये ट्रांसपेरेंट में जा रही है अब इसको आप सेव कर लेंगे पीएनजी फॉर्म में उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सिंपल जो है देन uh, अदर uh, जो है uh, कहा जाए इस पे बैकग्राउंड इसी तरह से लेके उस पे जो है ऐड कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हैं पीछे तो आप वो भी दिखा सकते हैं सिंपल पहले आपने इसको रिमूव कर लेना है और अगर आप शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो इस ब्रश का जो साइज होता है वो ज्यादा हो जाता है इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं इस तरह से ठीक है आप जूम कर लें उसके बाद जो है इसको साथ आप ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहे बैकग्राउंड रिमूव करके इसको आपने सेव कर लेना है अगर आप YouTube पे देखेंगे तो आपको इसमें भी काफी सारे जो है वो बेहतर ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं ठीक है तो इस तरह से जो है इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा होता है इस टूल के थ्रू इवन फोटोशॉप जो है उसपे आप करेंगे तो उसपे सिर्फ और सिर्फ वो एक मिनट में ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपका जो है मैजिक रेजर टूल जो होता है उस, उसकी हेल्प से जो है वो आपका ये रे, आ, रेज हो जाता है रिमूव हो जाता है बैकग्राउंड आप कोई भी कलर कोई भी चीज जो है रिमूव करना चाह रहे हैं आपने सिंपल वहां पे क्लिक करना होता है तो वो सिलेक्ट करके एक कलर को रिमूव कर देता है ठीक है इस तरह से जो है आप इसको यहां पर अपना बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं ओके uh, okay. आपका जो सवाल है यहाँ पे कि समटाइम बिल्कुल आप लोग जो है वो करते हैं उस उसपे अपलोड और उसपे कॉपी राइट के इशू आ जाते हैं उसके लिए टूल्स जो हैं फेसबुक के भी हैं और अदर टूल्स भी हैं अगर आप देखेंगे ना चौक कॉपीराइट चेकर के नाम से आपको काफी सारे जो है वो टूल्स मिल जाते हैं आप कॉपीराइट चेकर फॉर फेसबुक वीडियोस आप देखेंगे तो उस पर आप फेसबुक पे जो भी वीडियो अपलोड करनी है उससे पहले वहां पे चेक कर लें वो आपको बता देगा कि इस पे आ, कोई इश्यू होगा या नहीं होगा तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करे होते हैं ये टूल इसको आप देख सकते हैं अच्छा जी आपने कहा है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपने अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो आप लोग जरूर कर सकते हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है आप अपना कंटेंट अच्छा कंटेंट ऐड करो अपनी प्रोफाइल पे और लोग लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको फॉलो करेंगे अगर आप डेली बेसिस पे कंटेंट ऐड करती हैं अच्छे हैशटैग यूज करती हैं ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करती हैं तो ऑब्वियसली लोग जो है वो आपको फॉलो करेंगे अच्छा जी आपने कहा है मैम बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल कैनवा uh, uh, पे ये पेड है उसके अलावा मोबाइल ऐप में मुझे ऐसे आइडिया नहीं है मोबाइल ऐप में भी हो सकती है बहुत सारी ऐप्स हो सकती हैं बट uh, जो डेस्कटॉप uh, uh, के लिए मेरे पास था यहाँ पे लैपटॉप के थ्रू जो है वो आप लोग कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है आप इस वेबसाइट पे जाके इमेज uh, को अपलोड करें उसके बाद आप लोग इस तरह से जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है चीज इजी है लेकिन इस टूल पे जो है वो इस तरह से है अब आप डिफरेंट टूल्स पे जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे तो देन वो आपको थोड़ा डिफरेंट तरह का ही उस पर उसके कुछ फीचर्स होंगे तो आप सिंपल यहाँ पर जो भी आपने रिमूव करना है कलर वगैरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक बॉक्स भी रिमूव कर दिया है ओके रिमूव डॉट बीजी इज द वेबसाइट आपने वेबसाइट क्या बताया जहाँ पे जाके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं वो भी होगा लेकिन ये एक मैनुअल तरीका है जिसपे आप खुद से जाके अगर आपने उस बैकग्राउंड में से भी कुछ चीजें नहीं करनी है आप कुछ को रखना चाह रहे हो कुछ को रिमूव करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है बाकी आपने जो वेबसाइट बताई है आपने से अगर कोई भी स्टूडेंट जो रिमूव करना चाहता है वो यहाँ इस वेबसाइट को भी यूज करते हुए कर सकता है ओके okay, अः ये वेबसाइट आपको बताई है आप इस वेबसाइट पे चले जाओ बहुत इजी है वहां पे जाके आपने अपलोड करना और वो आपको रिमूव करके दे देता है और यहाँ पे भी मैंने आपको जो टूल बताया है इस पे सबसे पहले आपने अपनी जो पिक्चर है उसको अपलोड करना है ओपन पे क्लिक करके एंड देन आपके पास यहाँ पे ये रेजर बनी हुई है ठीक है ये रेजर टूल आ रहा है अगर आप देखें बैकग्राउंड रेजर रेजर टूल है और बैकग्राउंड रेजर है तो बैकग्राउंड रेजर पे क्लिक करके आपने बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ओके uh, ठीक okay, है मैं आपकी इंशाल्लाह क्लास के एंड पे जो है वो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी जो है वो प्रोफाइल चेक कर लूँ फ्रीलांसिंग की uh, बाकी जो है वो आप लोग इसको देखें जो चीजें आप लोगों ने मेरे साथ मेंशन की थी जी जी आपने अगर पेनियर अकाउंट अभी आप बना रही हो तो आप उसको कोशिश करो कि आप जैस कैश के साथ ही उसको लेके चलो आगे फर्दर और उसमें आईबीएन नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना ही बैंक अकाउंट देने की आपको जो है उस पर जरूरत पड़ेगी अगर आप अपने जायज कैश अकाउंट के साथ इसको साइन अप करती हो तो अ ओके फाइन अगर आपको ये लग रहा है कि इस पर जो है वो वीकली एट टाइम है वीकली नहीं है मंथली होता है इसमें और आपको अगर वीकली पे मिल गया आई थिंक सो मे बी शायद वो मंथ चेंज हुआ तो इस वजह से आपने लास्ट मंथ अगर लास्ट वीक अगर आपने अकाउंट ओपन किया था देन यू फील कि आपको इस महीने भी एट जो है वो बेट्स आपको मिल गई हैं Uh, मेरा ख्याल जो है और मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि आपको पर मंथ वो आपको देता है इवन अगर आप उसके प्लान में भी जाएंगे ना तो वो आपको पूरे महीने का बता रहा होता है ऐसा नहीं होता कि वो आपको जो है वो बिट्स जो है वो वीकली आपको मिल रही है इसपे आपको बिट्स शो नहीं हो रही है बिट शो क्यों नहीं हो रही है? आप ब्राउजर पे जाके क्लिक करो प्रोजेक्ट पे आपको मिल जाएंगे बिट्स और प्रोजेक्ट आपको शो हो जाएंगे और बिट्स आपकी तभी शो होंगी जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करती हैं तो वहां पे आपको राइट साइड पे जो है वो बिट का ऑप्शन मिल जाता है और बाकी जो है फ्री अकाउंट में जो है वो आपको मंथली एट बिट्स ही मिलती हैं नॉट फॉर जो है वो वन मंथ एंड वन वीक जो है वो नहीं होती वो फॉर वन मंथ होती है बाकी आप लोग इसको देखें और बिट्स का जो ऑप्शन है वो आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल में जाएंगे तो राइट साइड पे आपको शो हो रहा होता है मैंने काफी डिटेल में आपको बताया वो बेटा अच्छा जी उसके बाद आज के जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ चलते हैं आज का टॉपिक जो है वो ट्यूटर मार्केटिंग है ट्यूटर अकाउंट कैसे बना सकते हैं आप लोग और उसपे क्या क्या ऑप्शन होते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ओके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आ, काफी सारी चीजें हैं काफी सारे अहा पे जिस तरह से कोई भी चीज आ रही है उसी से रिलेटेड जो है मजीद कंटेंट आ रहा होता है आपने जिस उस पेज को फॉलो किया होता है उससे रिलेटेड इसको साइनअप करने का जो है तरीका वो बहुत सेम है बहुत सिंपल है आप लोग बहुत इजीली जो है ट्यूटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्यूटर अकाउंट जो होता है उसको ज्यादातर जो चीजें चल रही होती हैं उसमें और इवन बहुत ज्यादा अथेंटिक होता है बहुत ज्यादा अथेंटिक चीजें होती हैं फेसबुक पे जो है वो कंटेंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है uh, यहां पर जो है ट्विटर अकाउंट पे जो है वो ज्यादातर क्वालिटी कंटेंट होता है अब जिस तरह से हमने बात की थी कि इंस्टाग्राम uh, हो गया या लिंकिन हो गया इसकी ऑडियंस डिफरेंट होती है इसी तरह से ट्विटर अकाउंट की ऑडियंस भी डिफरेंट होती है अब आपने देखा होगा कि हर बंदा ही जो है वो फेसबुक यूज कर रहा होता है जिसको अगर जिसकी एजुकेशन जो है वो कुछ भी नहीं है जो कि स्कूल नहीं जाता कॉलेज नहीं गया हुआ वो पर्सन भी जो है वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाता है और उसको यूज करना शुरू कर देता है लेकिन लेन हो गया उसके अलावा ट्विटर अकाउंट हो गया इसके लिए क्या है कि वो लोग ज्यादा उसको प्रेफर कर रहे होते हैं या वो लोग इस पर ज्यादा ऑडियंस होती है जो पढ़ी लिखी होती है उसकी वजह रीजन क्या है कि यहाँ पर जिस तरह का कंटेंट है चीजें हैं उसमें शायद उस तरह का इंटरटेनमेंट रिलेटेड जो है वो कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता अदर दिन के हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म पे होता है यहाँ पर ज्यादातर अगर आप देखें तो किसी भी इशू को हाईलाइट करने के लिए जो है हमारे यहाँ हमारे इवन हमारे यहाँ भी और किसी भी और अदर कंट्री में अगर आप देखें तो ट्यूटर को जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पर जो ट्रेंड आ रहे होते हैं उसको लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं उसको बहुत ज्यादा लोग जो है देख रहे होते हैं और इस इस चीज को जो है वो आपने मदे रखना है और आप बाकी जो है एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि जब आप अपने बिजनेस रन करते हैं आप अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया आपकी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोफाइल बनाई है और उसके बाद जो है आपने एक ब्रांड स्टार्ट कर लिया उसकी वेबसाइट बना ली उसका फेसबुक अकाउंट बना लिया तो यू फील कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया है आपकी जो कंप्लीट प्रेजेंस होती है ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया वो आपका ट्विटर फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम जो अकाउंट्स uh, हैं वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं इवन अगर आप किसी भी ब्रांड को किसी भी चीज को फॉलो करते हैं या आप उसके बारे में मालूम करना चाहते हैं आप सर्च करेंगे तो आपको जो है उस पर फर्दर उसका फेसबुक पेज और ट्विटर पेज इंस्टाग्राम पेज जो है वो सर्चिज में आपको मिल रहा होता है ओके okay, यहां पे एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं ई रोजगार की हमारा जो ई रोजगार प्रोग्राम है अगर आप इसको सर्च करते हैं गूगल पे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने सर्च किया ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है ये कैंडिडेट पोर्टल आ रहा है ऑनलाइन सर्टिफिकेट का आ रहा है इसकी रीजन क्या है ये पेजेस जो यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि इन इनपे ज्यादातर लोग जाके क्लिक कर रहे होते हैं इन पेजेस को ज्यादा लोग विजिट कर रहे होते हैं उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा ट्विटर अकाउंट जो है उसका यहाँ पर लिंक आ रहा है तो इट्स मीन के जो चीज ज्यादा जिसको देख रहे होते हैं आपकी वेबसाइट है वेबसाइट के बाद जो है यहाँ पे हमारा ई रोजगार का जो ट्विटर अकाउंट है वो आ रहा है उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का आ रहा है उसके बाद फेसबुक के अदर अकाउंट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई भी ब्रांड है कोई भी कंपनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है आप लोग आपको देखें आपको अगर कोई भी सर्च करता है तो आपकी आपके रिजल्ट्स जो है आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे शो हो आपका ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले तो आपका ट्विटर अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप इसको ऐड करें उस पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है उसके साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ट्विटर अकाउंट पे जब आप आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे ट्रेंड्स होते हैं वेरीफाइड प्रोफाइल्स होती हैं आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं अनफॉलो कर सकते हैं ये हमारा ईरोजगार का पेज है आप सब लोग इसको फॉलो कीजिएगा और अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आप काम करने, कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपकी ये सारी प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं ओके okay, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफाइल हमने बनाई हुई है और बहुत एक कंप्लीट और अच्छी प्रोफाइल है जिस तरह से एक प्रॉपर प्रोफाइल होनी चाहिए अब यहाँ पर क्या है अगर आप देखें तो साइड पे ट्यूटर के जो है कुछ एक मेन्यू आ रहा होता है आप किसी के पेज को अगर विजिट करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने ई रोजगार का पेज ओपन किया है जो हमारा ट्यूटर का अकाउंट है तो यहाँ पर फॉलोइंग का ऑप्शन आ, आ रहा है अगर आपने फॉलो का ऑप्शन आ रहा होता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो फॉलोइंग शो हो रहा होता है अगर आप दोबारा से इस पे जाएंगे तो अनफॉलो का ऑप्शन आ जाता है उसके साथ ये एक बेल का आइकॉन है इसका मतलब है कि आप नोटिफिकेशन जो है इसकी ऑन कर सकते हैं जैसे कि ये मैंने इसके कर लिए हैं उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी ईमेल जो हमारी है वो ईमेल्स मेल्स यहाँ पर जो है वो आपको शो हो जाती हैं मैसेजेस का ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाता है उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शन है जैसे कि प्रोफाइलिंग का है और रिव्यू मूवमेंट्स है व्यू लिस्ट है यहाँ पर ओके okay, उसके साथ साथ तो यहाँ पर जिस तरह से बेसिक हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म थे जो कि लिंक है या फिर हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे होते हैं या फिर हम फेसबुक की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरह से आपका बायो आ रहा होता है आपने अपनी एक प्रोफाइल की डिटेल ऐड करनी होती है तो सेम यहां पर भी आप लोग वो डिटेल जो है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है ये एक बायो आ रहा है हमारा जिसमें हमने एक बहुत ही बेसिक सा जो है दिया हुआ है एक से दो लाइन का जो है वो आपने देना होता है अपना बायो जो कि आपकी प्रोफाइल पर डिस्प्ले हो रहा होता है उसके अलावा यहाँ पे लोकेशन ऐड की हुई है आ, हमारी वेबसाइट का आ रहा है ज्वाइनिंग हमारी जब हमने इसको ज्वाइन किया था ट्विटर अकाउंट को देन फॉलोइंग आ रही है कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं और फॉलोवर्स जो हमारे फॉलोअर्स है इस पेज के वो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पोस्ट की हुई है वो आ रही है उसके अलावा उसके जो रिप्लाईज हैं वो है मीडियम मीडिया है यहाँ पे लाइक्स हैं तो ये यह टैप यहाँ पे शो हो रही होती हैं उसके साथ साथ कुछ चीजें आपको मैं बता दूं जैसे कि टाइमलाइन होती है होम का ऑप्शन जितने भी आपने अभी तक जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को विजिट किया है या जिसपे हमने मैंने आपको करवाए हैं उस पर अगर आप देखें तो सब पे ही ऑलमोस्ट ऑप्शन आ रहा होता है होम का टाइम लाइन का जिसपे आपके जो लोगों को आप फॉलो कर रहे होते हो उनसे रिलेटेड कॉन्टेंट जो होता है वो आपको उस पर मिल रहा होता है उसके अलावा यहाँ पे आप हैश जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप हैश यूज करते हैं ट्विटर पे भी आप हैश देख सकते हैं और इवन ट्विटर पे जो है अगर आप किसी भी हैश को जो है वो ऑलमोस्ट आपका एक टाइम पे ही जो है ऑलमोस्ट अगर दो हजार तीन हजार लोग उसको एक टाइम पे मीन आज के दिन में ही दो हजार तीन टाइम तीन हजार दफा जो है वो उसको पोस्ट करते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है फिर बहुत सारे लोग इवन ट्रेंडिंग हैश को भी एड कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लोग विजिट कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं कि ये वाला हैश किस लिए जो है वो यूज किया जा रहा है उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं जो आपने जिन पेजेस को आप फॉलो कर रहे होते हैं जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे होते हैं अगर वो कोई भी पोस्ट वगैरह ऐड करता है तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है नोटिफिकेशन uh, जो होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं उसके अलावा मैसेजेस का ऑप्शन है प्रोफाइल का ऑप्शन है तो फॉर द टाइम मैं आपको प्रोफाइल पे लेके जाती हूँ क्योंकि वो एक बेसिक और मेन जो हमारी अ uh, यहाँ पर फीचर है ओके okay, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह से मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थी ऑलमोस्ट सेम मैंने यहाँ पे भी जो है प्रोफाइल क्रिएट की हुई है और बाकी जो है यहाँ पर अगर आप देखें मजीद जो है चीज़ें इसी तरह से हमने उस पर ऐड की हुई हैं अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम ट्विटर की जो है वो प्रोफाइल बनानी है और कोशिश करें कि आप लोग अपनी एज अ पर्सनल प्रोफाइल ही क्रिएट करें जब आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो देन आपने उसमें जो है जिस तरह से मैंने आपको कल की जो है कल का जो आपका था टॉपिक उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने उसको अपना अकाउंट बनाना है बना के एज अ फ्रीलांसर आप उसको लेके कर चलना शुरू कर दें क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने इस अकाउंट को जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और किस तरह से यूज करना है तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए करें और आप उसमें चीजें मैंशन करें कि आप जो है वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं आप कौन कौन सी जो है सर्विसेज uh, प्रोवाइड कर सकते हैं उस हवाले से जो है वो आप इसमें चीजें ऐड कर दें ओके okay, जब आप ट्विटर अकाउंट जब साइन अप करते हैं साइन अप करने के बाद जो है आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होता है उसमें आपने अपना नेम ईमेल आईडी और उसके अलावा यूजर नेम ऐड करते हैं यूजर नेम आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी लिंकिन पे भी और यहाँ पे जो है फेसबुक पे भी इवन आप फेसबुक फेसबुक पर भी कर सकते हैं ट्विटर पे भी कर सकते हैं जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब पे आप बाद में भी अपना यूजर नेम एडिट कर सकते हैं और इसको जो है आप आप बाद में अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीटली एडिट कर सकते हैं जब आप साइन अप करेंगे तो आपको बहुत बेसिक से जो है वो ऑप्शन आ रहे होते हैं उन ऑप्शन को जो है वो आपने फिल करना हो तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल ईजिली जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगी कि ट्यूटर अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें बिजनेस और पर्सनल में डिफरेंस नहीं होता वो आपका सेम होता है अगर आप एज अ पर्सन भी अकाउंट यूज करना चाह रहे हैं या उसको बिजनेस के लिए करना चाह रहे हैं तो वो आपका सिमिलर होगा प्राइवेसी आप ऐड कर सकते हैं कि आपका जो जो कंटेंट है जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के आपको शो हो या आपको जो लोग फॉलो करें उनको शो हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं उसके अलावा जो है आप, आप इसको यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे पर, हैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे हैं वो आप लोग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अलग अलग अकाउंट नहीं होते हैं एक ही अकाउंट को आपने दोनों पर्पज के लिए जो है वो यूज करना होता है ओके okay, आपको जो है वो टीका टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है फ्रीलांसिंग पर तो फ्रीलांसर प्रोफाइल पे भी आपने टेस्ट देना होता है स्किल टेस्ट होते हैं आपके और बेसिक फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होते हैं और वो आप लोग दे सकते हैं सिंपल आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन आप उस पर टेस्ट दे सकते हैं मोस्टली जनरली जनरल होता है उसके अलावा आप यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं फ्रीलांसर टेस्ट के तो वो लोग जो टेस्ट ऑलरेडी दे चुके होते हैं वहां पे वो सैम्पल भी ऐड कर देते हैं के टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आप उनको रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करती हैं तो आपके पास होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं बिल्कुल बेटा आपने ट्यूटर पे भी अपना अकाउंट बनाना है आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है आइडिया हो सके किस तरह से जो है वो काम करना है आ, अगर आपने ऑलरेडी इस पर नहीं बनाया हुआ एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप लोग आज बना लेते हैं बहुत जगहों पे आपकी जो है कि प्रोफाइल यूज हो रही होती है इवन जिस तरह से आपके पास फ़ाइबर के भी ऑप्शन होता है कि आप जो है वो अपनी ट्विटर अकाउंट की जो प्रोफाइल है उसको आप कर सकते हैं आप लिंक कर सकते हैं उसको अच्छा जी मैम एस सीओ इज फॉर डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल बेटा ऐसे ही है और डिजिटल मार्केटिंग में एस भी है एस सी ओ बी का पार्ट है और आप इसको uh, बहुत इजी है आई थिंक so, सिर्फ सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने की uh, देर होती है आपको जो है वो काफी बेहतर तरीके से जो है वो पता चलना शुरू हो जाता है आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं uh, आपके बिजनेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो एस बहुत बेस्ट टूल है आपके बिजनेस को आपके कोई भी अगर आप उसमें सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट है चीज है वालेकम असलाम बेटा अगर आपको ज्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है आप उस पर पे पे रही हो डेली तो उस उसपे आप अपना कंटेंट चेंज करके देखो ठीक है आप अपना जो तरीका का है कहते हैं वारदात जो है वो अपनी चेंज करके देखो कि किस तरह से आप क्लाइंट्स को जो है वो ग्रैप कर सकते हो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आप अगर इंप्लीमेंट करो उस पर चेंजेस करो अपनी प्रोफाइल के अंदर आप उसको सेंड करो अपने जो बाय को जो है ऑफर तो इनशाला वो आपको रिस्पॉन्स करेगा और समटाइम जो है वो थोड़ा सा जो है जो है है उस चीज के लिए आप कोशिश करें आप कोशिश करते रहें आपके हाथ पे सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही है बाकी इंशाल्लाह आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा आप अपनी गिग्स देखो आपने क्या क्या बनाई नहीं है अगर उसमें कंपटीशन ज्यादा है लोग ज्यादा हैं तो कोशिश करो कुछ ऐसा क्रिएट करो एक ऐसी गिग बनाओ जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो Uh, जी जी आप लोग मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं ट्यूटर uh, को ट्यूटर की ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कर लें उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन से ही उसपे uh, उसको ऑपरेट कर सकते हैं ओके okay, uh, uh, हिना आपने काफी अच्छा यहाँ पे जो है वो uh, एक सवाल किया है जिससे आई थिंक बहुत सारे बच्चे और आप लोग जब अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल फेसबुक का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं आप काम कर सकते हैं उससे रिलेटेड हर जगह पे जो है वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आपके सब्जेक्ट के लोग भी होते हैं और उनको जो है वो आप एक जगह पे कैसे ढूंढ सकते हैं कैसे आप ऐड कर सकते हैं उसका तरीका ये होता है कि एक तो ये कि आप कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ऐड करो उसमें और उसके अलावा जो है कि अगर वो कोई भी अपने इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको सर्च करेंगे तो वो आपके अकाउंट आपके जो कॉन्टेंट होते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे उसके अलावा आप अपने जो ग्रुप है उसको पब्लिक ही रखो ताकि वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ऐड हो सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करने में भी आपने कहा कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो पर्सन आ रहा है रिलेटेड है, है, है तो उसके लिए आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इफ यू रिमेम्बर आप जब आपने ईरोजगार का जो हमारा ये ग्रुप है इसमें आप एज अ थे तो हमने कुछ सवाल किए थे आपसे तो जब आप अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अपना सब्जेक्ट नेम एंड देन उसमें डिग्री कौन से एयर में आपने कंप्लीट किया था अपना ग्रेजुएशन एंड देन आप आगे फर्दर कुछ इसी से रिलेटेड सवाल ऐड कर दें ताकि आपको फिल्टर हो सके कि वो कौन से लोग हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं क्योंकि तो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली उसको उस हवाले से नॉलेज तो होगा ना तो वो चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है Uh, इंशाल्लाह जी हम लोग जो है आफ्टर वन वन एंड हाफ वीक जो है उसके बाद हम एस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे गिग में क्यू ए कैसे ऐड uh, करते हैं बेटा जब आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो उसके नीचे आ रहा होता है क्यूए का सेक्शन uh, ऑप्शन आ रहा होता है वहां पे आपने उसको ऐड करना होता है जब आप केक में डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है उसके बाद वेट फॉर मिनट में आपको यहाँ पे लॉग इन करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने उसको करना है ओके okay, अब यहां पर अगर आप अपनी प्रोफाइल पे आते हो यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आप इस गेट को एडिट करो आप नहीं क्रिएट कर रहे होते हो तो जब आप डिस्क्रिप्शन पे आते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड एफ क्यूज का ऑप्शन आ रहा होता है तो आपने यहां पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर एफ का ऑप्शन आ गया यहाँ पर एड एफ पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे आपने सवाल लिखने और यहाँ पे आपने जवाब लिखने हैं यहाँ पे अ क्वेश्चन और ऐड आंसर का ऑप्शन आ रहा है आपने यहाँ पर ये यह आपके पास ऑप्शन है इसको एड यहाँ पे लिखने के बाद एड पे क्लिक कर देना है और सेव कर लेना है आपका वो अपडेट हो जाएगा कॉन्टेंट देखो ट्यूटर से आपको फायदा ये होता है कि आपका जो एक तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो रही है आप कहीं पे भी जाके जो है वो बता सकते हैं कि आपने ट्यूटर पे भी आपकी जो है वो प्रोफाइल है और उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजों से बहुत सारी न्यूज से बहुत सारे कंटेंट से आप अपडेट रहते हो अगर आपका बिजनेस है तो आप लोगों को अपडेट कर सकते हो आप इवन मैंने जहा यहाँ पे एग्जाम्पल दी है ई की तो यहाँ पे अगर ई की वेबसाइट नहीं होती तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो आपको ट्यूटर अकाउंट मिल रहा होता तो ट्यूटर से क्या होता है कि ट्यूटर अकाउंट से आपकी जो अपेयरेंस है ऑन सर्च इंजन ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है uh, इस इसपे आप जो भी कॉन्टेंट वगैरह एड कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी इंडेक्स हो रहा होता है और उसके थ्रू जो है वो लोग बहुत ज्यादा आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं ओके okay, फाइन मैं आपकी चेक कर दूंगी बेटा ओके okay, बेटा आपका जो अकाउंट का आप कह रही हो ना फायदा मुझे क्या होगा या फायदा नहीं होगा आपको एक चीज करवाई जा रही है जो कि दुनिया में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहती हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ये सारे जो मीडियम्स हैं प्लेटफॉर्म्स हैं इन सबको यूज करना आपको आना चाहिए अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हो अः uh, फाइवर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे तो वहां पे भी आपको ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो है उनपे काम करना तो आना चाहिए ना तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है चीजें करवाई जा रही है जो कि आपकी uh, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे सकती है तो कोशिश करें आप लोग इसको फॉलो करें ना कि इसमें अपना फायदा या नुकसान देखें नुकसान तो किसी भी चीज का नहीं है फायदा तो आपको बहुत सारा है कि आपको एक तो काम करना आ जाएगा आप प्रैक्टिकल चीजें कर रही हैं आप अगर कोई आपसे कहता है आपको, आपको, आपको किसी को हेल्प चाहिए होती है आप उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके अलावा आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया या आप अकाउंट क्रिएट नहीं करते हैं ये सोचते रहते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा या इससे नुकसान क्या होगा तो फिर तो आप कभी भी सीख नहीं सकते हैं ना ओके फाइन ओके मैं आपकी चेक करती हूं अच्छा जी आपके पास जो फ्रीलांसर की प्रोफाइल होती है उसमें मैसेजिंग में उसका यूजर नेम आ रहा होता है उसका यूजर नेम लिखें जैसे कि अगर आप फ्रीलांसर लांसर पे जाते हैं फ्री लांसर डॉट कॉम फॉवर स्लैश यू फॉर्वर स्लैश उसके बाद यूजर नेम मारा होता है तो आपने उसी तरह से उसका यूजर नेम लिखना है तो वो आपको मिल जाता है जब वो आपको मैसेज सेंड करा होता है फाइवर पे आपने देखा होगा तो इनबॉक्स में जो है उसका नाम आ रहा होता है उसके बाद उसका मैसेज शो हो रहा होता है तो सेम उस तरह से आपके पास फ्रीलांसर लांसर के भी ऑप्शन होता है वहां पे आपको मिल जाता है वेलकम बेटा ओके okay, अब हम यहाँ पे ट्विटर प्रोफाइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो प्रोफाइल को जब आपने क्रिएट कर लिया उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कवर का ऑप्शन आ रहा होता है इमेज का ऑप्शन आ रहा होता है कंप्लीट नेम का आ रहा है बायो का आ रहा है लोकेशन का आ रहा है वेबसाइट का आ रहा होता है डेट ऑफ बर्थ का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कोशिश क्या करें कि आप अपनी फेक इंफॉर्मेशन ना दें क्योंकि समटाइम जब आपका अकाउंट आपको याद नहीं रहता या आप उस पर काम नहीं कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपने अगर आपको आ, अपना जो है यहाँ पर जो आपने डिटेल ऐड की हुई है आ, वो आप उसको यूज कर सकते हैं या आपने इसको एडिट करना होता है देन वो भी आप यहाँ से करते सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है ये मोर का ऑप्शन आ रहा होता है अगर आप इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास जो है फर्दर सेटिंग एंड प्राइवेसी का जो है ऑप्शन होता है जिसके थ्रू जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिकली या फिर जो है उसमें प्राइवेसी ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक का आ रहा है ऑप्शन उसके साथ साथ यहाँ एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है ट्यूटर एड्स का ऑप्शन आ रहा है तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है मैं आपको ट्यूटर एड्स के हवाले से भी आज बता दूंगी ताकि आप उसमें फर्दर प्रैक्टिस कर लें अभी आपने जो है इसके प्राइवेसी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शन आता है अकाउंट इंफॉर्मेशन का उसके अलावा चेंज पासवर्ड का आ रहा है डाउनलोड जो आपके पास डाटा है उसको अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं इसके वो कर सकते हैं अगर योर अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं और अकाउंट जो सिक्योरिटी एंड एक्सेस के हवाले से प्राइवेसी एंड सेफ्टी के हवाले से है, है यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं आप इनको एडिट कर सकते हैं अब यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले आपने अपना पासवर्ड कर करना है ओके okay, अब एक और चीज़ यहां पे ऐड करती हूँ आप ट्यूटर पे काम कर रहे होते हैं या फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर रहे होते हैं अगर आप किसी टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक ही टाइम पे जो है वो सबके सब, सब प्लेटफॉर्म को रन कर सकते हैं आप सब प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक ही कंटेंट को आप पोस्ट कर सकते हैं लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं आ, आपने ट्विटर पे भी वो कंटेंट ऐड कर देना है लेकिन जब आपकी पर्सनल प्रोफाइल है तो आप उस पर टाइम बाय टाइम ही कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है लेकिन एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दू कि आप लोग जो है वो अगर डेली बेसिस पे अपना कंटेंट ऐड करते हैं ट्रेंडिंग हैशटैग जो होते हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साइड पे ट्रेंड्स चल रहे हैं जो भी ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा होता है जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है कि फॉर द टाइम अगर ये ट्रेंड में आ रहा है ये की वर्ड ये की वर्ड आ रहा है तो उसके अंगेज कितने ज्यादा पोस्ट है जो यहाँ पे हुई हुई है पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है इस टाइम पे चल रहा है तो उसमें कितनी ज्यादा लोगों ने जो है इसको ऐड किया हुआ है जैसे वेलकम टू पाकिस्तान है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे उसके अलावा अदर हैं कुछ यहाँ पे हैशटैग हैं काफी सारे हैशटैग टैग यहाँ पे यूज हुए हुए हैं तो वो आप उनपे जाके सर्च कर सकते हैं आपको बहुत ज्यादा पोस्ट मिल रही होती है और एक और चीज यहाँ पे कि जब आपने उस चीज को फॉलो करते हैं आपने एक पोस्ट ऐड करते हैं और उसको आप थोड़ी देर के बाद चेक करें तो आपको उस हैशटैग की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा लोग उसको अगर आप है, ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा लोग आपकी पोस्ट को देखते भी हैं और आपको फॉलो भी कर लेते हैं तो अपनी पेज अपनी जो अकाउंट है उसकी फॉलोइंग इंक्रीज करने का जो मेथड होता है वो यही है कि आप ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स हैं उनको आप यूज करें अपने पोस्ट में अपने कंटेंट में तो उससे आपकी जो चीजें हैं आपकी जो पोस्ट का पोस्ट रीच होती है वो ज्यादा हो जाती है ओके okay, आप उसको अगर पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं आप मैं आपका जो है वो कमेंट uh, शायद उस तरह से मैंने uh, पहले और इसको स्टडी नहीं किया था uh, यहाँ पर uh, मैं आपको दोबारा से इसको मैंने पढ़ा है प्रॉपर तो इसमें जो चीज़ आपने लिखी है कि आप उसको पर्सनली मैसेज आप बाय को करना चाह रही हैं तो उस टाइम पे आप किस तरह से उसको फाइन कर सकते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हो फाइव यहाँ तक ये ऑप्शन नहीं होता आप उसको पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते हो ओके वॉइस आपके पास आ रही है वॉइस का ऐसे इशू नहीं है आप प्लीज इसको चेक करो अपने एंड पे अच्छा जी मैं फाइबर में ऑक्यूपेशन क्या सेलेक्ट करना है कंटेंट राइटिंग और डेटा एंट्री पे बना रही हूँ ओके okay, आप डाटा एंट्री की अगर बना रही हो गिक तो अ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अगर आप डाटा एंट्री की बना रही हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है डेटा एंट्री की जो गिग है उसमें आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको ये देखें बिजनेस में अगर आप जाएंगे मेन जो उसकी कैटेगरी होगी वो बिजनेस होगी एंड देन आप उसमें बिजनेस और ये डेटा एंट्री की आ जाएगी कंटेंट राइटिंग की करना चाहती है राइटिंग एंड ट्रांजेक्शन में आप ट्रांसलेशन में आप आएंगी तो यहाँ पे जो है वो किस टाइप की कंटेंट राइटिंग आप करना चाहती हैं वेबसाइट कंटेंट है आर्टिकल ब्लॉग है प्रूफ रीडिंग है बहुत सारे ऑल्स में टाइप्स हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकती हैं ओके okay, मैं आपको बताती हूँ ट्विटर अकाउंट पे आपने ट्रेंडिंग हैशटैग्स को कैसे यूज करना होता है बहुत सिंपल है कि जब पहले तो आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है कि आपके जो फॉर uh, एग्जांपल आप दिस, ये वाला जो हैशटैग है इसको आपने uh, एड करना है अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत ज्यादा जो है इस पे काफी सारे पोस्ट हुई हुई है ऑलरेडी ठीक है तो आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपल सिंपल एक तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है यहां पर ठीक है कि आप ये पोस्ट कर सकते हैं आपने अपनी पोस्ट ऐड करनी है कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अपना कंटेंट ऐड कर रहे हैं उसके साथ साथ तो कोई भी आप हैशटैग जो है वो ऐड कर सकते हैं इसको कॉपी भी कर सकते हैं कॉपी करके वो भी ऐड कर सकते हैं उसके अलावा जो है आप इसमें जैसा यहाँ पर आप खुद से लिख लें और इवन आपके पास यहाँ पर हैशटैग होते हैं ट्रेंडिंग हैश में आपका जो जैसे कि आज थर्सडे है थर्सडे थॉट्स का जो है हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहा होता है अगर कोई भी जैसा क्रिसमस आ रही है तो यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड जो है वो हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहा होता है बहुत सारे लोग जो है इसको यूज कर रहे होते हैं तो आपका जो भी पोस्ट है आप उसमें यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं सिंपल uh, आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करें ठीक है तो जिससे जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर दी है तो इस तरह से इमेज आप ऐड कर सकते हैं uh, आप लोगों को टैग कर सकते हैं आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और जिप का ऑप्शन होता है उसके अलावा इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं आपकी आपकी पोस्ट जो है वो इतने टाइम के बाद जो है इसपे ऐड हो सकती है पब्लिश हो जाए और यहाँ पर जो करेक्टर्स होते हैं उसकी लिमिटेड लिमिटेड होते हैं बहुत ज्यादा कंटेंट जो होता है टेक्स्ट होता है पोस्ट का वो आप ऐड नहीं कर सकते हैं ट्विटर पे वो आपके पास लिमिटेड ही अः uh, होता है आई थिंक वन फिफ्टी करेक्टर्स का जो है वो आपके पास होता है 140, 150 की लिमिट वो आपने ऐड करनी होती है उसके बाद यहाँ से आप इस पर क्लिक कर देंगे ट्वीट पे तो आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी उसके साथ साथ तो यहाँ पे ये बटन भी बना हुआ है आप अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे देन उससे भी आप ऐड कर सकते हैं और उस हैशटैग को यूज करते हुए आप सिंपल तो एक पोस्ट जो है वो अब यहाँ पर ऐड कर लें अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बताती हूँ बहुत बेसिक सा अकाउंट है बहुत बेसिक सा इसपे काम करने का तरीका है कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसमें और टीचर के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक बहुत बड़ी ऑडियंस है लेकिन ऑडियंस जो है वो काफी डिफरेंट तरह की है अगर आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ से बिजनेस मिल जाएगा तो बिजनेस बहुत कम मिलता है लेकिन आपकी जो अपेयरेंस होती है ऑन इंटरनेट ट्यूटर uh, के अकाउंट पे अगर आपकी पेरेंट्स है तो उससे आपकी वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे गूगल पे हम सर्च करते हैं किसी भी ब्रांड को किसी भी वेबसाइट को तो वो यहाँ पर जो है वो आपको उसके ट्यूटर अकाउंट की जो आईडी होती है वो जरूर शो करवा रहा होता है तो इट्स मीन कि वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहा होता है आपकी सर्चेस में उसके अलावा यहाँ पे अगर आप मोड़ पे क्लिक करते हैं तो मोड़ पे आपके पास जो है गूगल यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन भी है ट्यूटर एड्स का ऑप्शन भी है तो अब हम इन दोनों ऑप्शन की बात करते हैं फर्स्ट हम एनालिटिक्स पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के जो भी एनालिटिक्स होते हैं समरी होती है लास्ट ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी एट डेज की वो यहाँ पर जो है वो आपको डिस्प्ले हो रही होती है ठीक है कि आपको किसने फॉलो किया है कितने लोगों ने uh, आपको फॉलो किया है आपकी पोस्ट जो है uh, उस पर लाइक्स पोस्ट पे ज्यादा आए हैं उस हवाले से तो वो यहाँ पर आपके पास आ रहा होते हैं ये सारा का सारा एनालिटिक्स ओके okay, तो यहाँ पर जो है ये एनालिटिक्स होते हैं आपके ट्विटर अकाउंट के हवाले से इस पे जो भी आपने कॉन्टेंट वगैरह एड किया होता है वो सारा का सारा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपने किस तरह से यूज किया है और उस पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको अपनी पोस्ट के हवाले से क्योंकि मैं बहुत कम यहाँ पर जो है वो इस पे ऐड कर रही होती हूँ पब्लिश कर रही होती हूँ तो यहाँ पे जो भी उस उस इस पोस्ट की वजह से अगर कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल को विजिट किया है वो भी यहाँ पे आ रहा है मेरी प्रोफाइल पे जो ये जो पोस्ट थी इस पे कितने लोग इम्प्रेशन आए हैं वो भी आ रहा है कितने लोगों को मेंशन किया है तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है तो ये सारे एनालिटिक्स जो हैं ये आपके पास होते हैं और यही चीजें हैं जो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपने क्लाइंट को शेयर कर रहे होते हैं उसके साथ जो है ये सारे के सारे स्टैट्स जो है वो शेयर करने होते हैं आपने Uh, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो फर्दर uh, जो है आपके पास ट्यूटर एड का ऑप्शन आ रहा होता है अब यहाँ पे भी एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि जब आप एज अ न्यू यूजर आप आते हैं आ, ट्यूटर अकाउंट पे ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एडवरटाइजिंग का जो ऑप्शन होता है वो अपेयर नहीं हो रहा होता जैसे कि अगर आप लिंगडन पे गए थे तो लिंगडन पे आपके पास आप लोग पेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो उसी तरह से आप अगर आप न्यू यूजर हैं आपने आज ही अकाउंट क्रिएट किया और आज ही आप चाह रहे हैं कि आप उस पर ऐड कम्पेन ऐड कर लें या आपको ये सारे स्टार्ट शो हो जाए तो वो शो नहीं होंगे न्यू यूजर्स को वो एक्सेस नहीं दे रहा होता आप कुछ टाइम जो है उस पर काम करें उसके बाद फर्दर जो है वो आप उसको स्टार्ट करें तो वो आपको अलाउ कर देगा अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्यूटर एड का जो ऑप्शन था इसपे क्लिक किया तो ये हमारे पास कंपेन जो मैनेजर है ट्यूटर का एड्स डॉट ट्यूटर डॉट कॉम जो है ये ओपन हो गया और इसमें जो है हमारे पास आगे फर्दर जो है हमारे पास ऑप्शन जो आ रहे हैं जैसे कि आपने फेसबुक uh, पे या अदर प्लेटफॉर्म uh, पे हमने कंप्लेन क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं सेम कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भी शो हो रहे हैं आपको जो भी इस पे सूटेबल लगता है आपके कंटेंट uh, से रिलेटेड लगता है वो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी अकाउंट के फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो हम फॉलोअर्स का जो है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे इसको नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने कंपेन का नेम ऐड कर देना है उसके बाद यहां पर आपका जो भी बजट होगा आपका फंडिंग सोर्स जिससे आपने जो है वो ये पेमेंट करनी है वो आपने यहां पर ऐड कर दिया उसके बाद यहाँ पे आपका डेली का बजट आ रहा है ऑप्शनल बजट अगर आप उसमें टोटल बजट ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपके पास टाइम का आ रहा है जिसमें स्टार्टिंग टाइम है एंडिंग टाइम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ठीक हो गया उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर लें जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं आपके पास फेसबुक पे देन अदर uh, जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हैं और अगेन आपके पास यहाँ पर जो है एड ग्रुप का आपने नेम ऐड करना है अगेन यहाँ पे आपके पास जो है ये बजट का आ रहा है ये ऑप्शनल है आप उसको ऐड करना चाहते हैं करें नहीं करना चाहते आप इसको स्किप कर दें अः uh, उसके बाद यहाँ पे आपके पास डेमोग्राफिक्स हैं उसमें आपने जेंडर सेलेक्ट करना होता है एज रेंज आपने ऐड करनी है लोकेशन ऐड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं आ, आप लोगों को यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे लोकेशन ऐड करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान आ रहा है इवन आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे भी तो वो आपको शो करवा देगा पाकिस्तान बट अगर आप इसमें ऐड करते हैं सिटी जिस तरह से मैंने लाहौर लिखा कराची लिखा तो वो उस पर ऐड नहीं कर सकते हैं तो अगर आपने ट्यूटर पर कोई भी कम्पेन रन करनी है तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान आप कर सकते हैं पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं आप उनको टारगेट यहाँ से नहीं कर सकते हैं लेकिन बाकी अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में करते हैं तो वहां पे जो स्टेट्स हैं उनकी या आप उनके जो सिटीज़ हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन है जैसे कि चाइनीज है इंग्लिश है अरबी है अगर आप कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं आप डिवाइजिस आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं आई एस है एंड्रॉयड है अदर मोबाइल्स हैं डेस्कटॉप है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आई थिंक सो ये बहुत इजी ऑप्शंस है अगर आप इसको देखते हैं आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है आपने यहां पर जो है इस तरह से कीवर्ड्स ऐड कर देनी है कि आपका जो टारगेटिंग फीचर्स है यानी कि आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं उन वो उनका इंटरेस्ट किस चीज में हो शॉपिंग में हो तो इस तरह की चीजें जो है आ, आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी कोई कंपेन ऐड की होगी तो उसकी लुक लाइक -like जो ऑडियंस होती है वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट का आ रहा है तो इंटरेस्ट में आप देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फूड है कॉफी एंड टी आप ऐड कर दें कुकिंग ऐड कर दें फास्ट फूड ऐड कर दें तो इस तरह की चीजें जो है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे साइड पे जिस तरह से वैसे एस्टिमेटेड आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं ऑडियंस मिल रही होती है वो आपके पास यहाँ पे शो करवा देंगे रिप्लेसमेंट जो है वो आप प्रोफाइल पे ही करें अगर आप टाइमलाइन पे करना चाहते हैं तो वो उस पर भी कर सकते हैं उसके बाद आप ये आप यहाँ पर जो है अपना आपकी जो कंपेन होगी उसके लिए आपकी प्रोफाइल का यहाँ पे जिस तरह से आ रहा है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है कि हम फॉलोवर्स के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ सिर्फ आपकी प्रोफाइल ही शो होगी उसके बाद जो है यहाँ पर मजीद कंपेन uh, टेस्टिंग uh, के लिए जो हमने नेम ऐड किया हुआ और फर्दर जो हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं और जो भी इसका हमने कंटेंट ऐड किया होता है उसका ओवरव्यू जो है है तो यहां पर इस तरह से आ रहा होता है। आप इसको देख सकते हैं उसके बाद आपने यहां से इसको लॉन्च कर देना है कंपेन को तो ये एक्टिव हो जाएगी टाइम थोड़ा सा ले रही होती है उसके बाद एक्टिव हो जाती है उसके अलावा यहाँ पे जो आपका अकाउंट है यहाँ पे आपका शो हो रहा होता है उसमें एड एन न्यू पेमेंट मेथड का ऑप्शन होता है आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं और उसके लिए आपने सिंपल अपने कार्ड का नंबर एक्सपायरी जो उसमें डेट होती है वो ऐड करनी है आपने सिक्योरिटी कोड ऐड करना है जो कि आपके कार्ड के बैक साइड पे होता है उसके बाद यहाँ पे आपका नेम जो कार्ड के ऊपर मैंशन हुआ हुआ है एड्रेस जो आपने आपका करंट एड्रेस होगा सिटी कंट्री आ रहा है आपका ईमेल एड्रेस आपको अपना कंफर्म करना है एग्री करना है और सेव कर लेना है उसके बाद वो आपकी पेमेंट यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा जो आप पे ऐड करते हैं उसके अलावा एक और चीज कि अगर आपने ये सारा कुछ कर रहे हैं और अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और को किसी और के बिहाफ पे यहाँ के काम कर रहे हैं आप तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि यहाँ से आप अपने एडिट एक्सेस टू अकाउंट जो है उसमें आप किसी और पर्सन को भी एडिट जो एक्सेस है अकाउंट की वो दे सकते हैं आपने सिंपल उसका यहाँ पे नेम ऐड करना है या ऐड टू एक्सेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस या ट्यूटर अकाउंट का जो है नेम है उसका यूजर नेम वो ऐड करके यहां से आपने उसको क्या ऐड मैनेजर एक्सेस देनी है अकाउंट जो एडमिन की एक्सेस देना चाह रहे हैं कंपेन की आप उसको रोल असाइन करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और सेफ चेंजिंग पे जो है वो आपने क्लिक करना है तो देन वो उसको एक्सेस जो है वो शेयर हो जाएगी तो जब हम लोग काम कर रहे होते हैं फाइबर पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर जो है वो आप लोग इस तरह से अपनी अकाउंट्स की जो है वो एक्सेस शेयर कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ ओके okay, आप लोगों में आ, के पास अगर कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप लोग करें बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं आ रहा है। आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्यूटर के जो अकाउंट है उसके हवाले से क्या क्या यहाँ पर जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑन फाइवर बहुत ज्यादा लोग इस पे काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले तो ट्यूटर ट्विटर अकाउंट जो है वो यूज करना नहीं आ रहा होता Uh, उनको आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं या काम करेंगे बट uh, uh, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास अच्छी सर्विसेज है लोग इसको चाह रहे होते हैं ग्रो करना चाह रहे होते हैं इन पे पर्सनल uh, अकाउंट्स को जो है वो वेरीफाई करवाना चाह रहे होते हैं अपनी फॉलोअर्स इंक्रीज करवाना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए जो है एक बेस्ट अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्यूटर uh, और ट्यूटर मार्केटिंग का ऑप्शन है आपके पास उसके अलावा यहाँ पे इसके आप बैनर डिजाइन करके दे सकते हैं आप प्रमोशन क्रिएट करके दे सकते हैं आर्ट्स क्रिएट करके दे सकते हैं आप यहाँ पर देखें तो ये इनकी एक प्रोफाइल है यहाँ पर इस पे जो है ऑलमोस्ट लेवल वन है बट इनके जो आ, जो ऑर्डर हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिव्यू जो हैं फाइव स्टार रिव्यू हैं 381 रिव्यू हैं और 11 जो है ऑर्डर इनके क्यू में है पे ये काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जो ट्यूटर अकाउंट पे ये मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं उस हवाले से ऐड किया हुआ है और ये चीजें होती हैं जो कि आपको आ, मैं बार बार एक बात कह रही होती हूँ इससे आपको आइडिया होता है कि अगर ये सर्विसेज जो है वो एक पर्सन दे रहा है और उस पर उसके पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं क्यू में भी इस टाइम पे ये सर्विसेज जो है वो एक हॉट सेलिंग सर्विसेज है आप दे सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती हैं बहुत सिंपल है सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस पे जैसे आप काम करते हैं उससे ज्यादा चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं आपको समझ में आना शुरू हो जाती है ओके okay, फाइन ये भी ये भी ऑप्शन है हमारे पास और हम, हम इस पर काम करके दे सकते हैं ओके okay, क्लाइंट को एक्सेस कैसे आपने देनी होती है क्लाइंट को आपने आ, अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हो तो आपने जो उसके पेज सेटिंग्स uh, होती हैं वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है पेज रोल का पेज रोल में जाके आपने एक्सेस देनी होती है ट्यूटर अकाउंट की जो है ट्यूटर अकाउंट पे अगर आपने एक्सेस देनी है तो यहाँ पे जो आपके पास ये ट्यूटर डॉट सॉरी एड्स डॉट डॉट कॉम जो है आ रहा होता है इस पे अगर आप आएंगे तो यहां पर add new payment और added access to page account जो है इसका ऑप्शन आ रहा होता है आपने यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा ठीक है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस पर्सन का नेम और उसके अलावा जो है उसका रोल आपने ऐड करना है उसको एक्सेस दे दें ऐड एक्सेस पे क्लिक करके तो वो आप उसको साथ उसको एक्सेस चली जाएगी उसको ई चली जाएगी उस पर वो क्लिक करेगा ओपन करेगा एंड देन वो उसको फाइंड कर सकता है उसके अलावा ट्विटर अकाउंट पे जो है अगर आप उसकी एक्सेस देना चाहते हैं क्लाइंट को तो आप उसके साथ यूजर नेम और पासवर्ड भी शेयर कर सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड भी शेयर कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसके एड मैनेजर की जो एक्सेस है वो भी शेयर कर सकते हैं ट्यूटर okay, की समझ नहीं आ रही आपको ट्यूटर uh, अकाउंट की तभी समझ आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे आप कोशिश करो कि करोगपे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बेसिक चीजों को आप इस टाइम पे लेके चलो uh, अगर आप उन चीजों पे ट्राई नहीं करोगे कोशिश नहीं करोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी एक ड्राई टॉपिक है आई नो uh, इस वजह से स्टूडेंट्स को ज्यादातर जो है वो समझ में नहीं आ रहा होता ओके okay, आपने कहा है कि उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं अपने ट्विटर अकाउंट को आ, क्योंकि वो ईमेल के साथ साथ यूजर नेम भी मांग रहा होता है तो आपको याद नहीं है अः uh, उसके लिए आप जो है अगर आप अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड कर देते हैं आप अगर फॉरगेट पासवर्ड पे करोगे कि आपको उसका पासवर्ड याद नहीं है अकाउंट को रिकवर करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने ईमेल एड्रेस भी ऐड कर देंगे तो वो आपको ईमेल एड्रेस भी आ जाता है उसके अलावा अगर आप अपने पास ई एड्रेस पे जाते हैं वहां पे आप ट्यूटर लिखते हैं आपने पहले ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो उस आपके यूजर नेम के साथ आपको ई भी सेंड uh, की होती है तो वहां से भी आप अपना यूजर नेम फाइन कर सकते हैं अच्छा जी मैं आपको बताती हूँ कि आपको मोबाइल फोन पे कहाँ पे जो है वो शो हो रहा होगा अच्छा जी आपका सवाल है मैम पर्सनल अकाउंट स्विच टू बिजनेस नहीं हो रहा ओके okay, uh, क्यों नहीं हो रहा आपका आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिजनेस अकाउंट पे स्विच करने का अगर स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करो तो वो हो जाएगा और आप अपनी प्रोफाइल पे जब आओगे तो देन वो उसपे कुछ ऑप्शन ऐड हो जाते हैं जिसमें इवन आप वहां पे भी क्लिक करते हो तो उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है ईमेल एड्रेस का कॉन्टेक्ट का अच्छा जी माय बिल्कुल ऐसे ही है जी बहुत इजी है साइन अप करें आप ट्विटर अकाउंट पे और बहुत सिंपल सा है इसका कोई ऐसेज नहीं है तो कि बहुत टफ है या चीजें समझ में नहीं आती हैं बहुत इजी है इसपे और इसपे चीजें क्योंकि फंक्शनैलिटी इतनी बहुत ज्यादा नहीं है इसपे तो सिंपल है हर कोई कर सकता है अगर आप इसको ट्राई करते हैं थैंक यू सो मच आप लोग ट्राई करें इसपे अच्छा जी आपने कहा है कि किया है बट एरर आ जाता है एरर क्या आ रहा है एरर मेरे साथ स्क्रीन शॉट शेयर करो आप ठीक है मुझे इनबॉक्स पे मैं उसको चेक करती हूँ बिल्कुल वहां पे ईमेल आई होती है जो कि आपके यूजर नेम के साथ होती है वहां से यूजर नेम कॉपी करके ऐड करो तो देन वो आप उसको डिस्कवर कर सकते हो ठीक है क्योंकि जब आप नया अकाउंट भी बनाते हो तो आपको ईमेल तो चली जाती है आपको ईमेल एड्रेस याद है अगर तो वहां पे जाके आप अपने ईमेल अकाउंट पे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ईमेल अकाउंट यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके पास ईमेल सर्च का ऑप्शन होता है यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है ट्यूटर लिखे आप तो आपके पास वो आ जाएगा ट्यूटर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ई आई होंगी वो आ जाएंगी एंड देन आप उसको फाइन कर सकते हैं ओके मे बी शायद आप लोग न्यू यूजर हैं इस वजह से आपके अकाउंट का कोई इशू होगा इस वजह से नहीं हो रहा होगा बाकी ये कि क्या आप लोग अभी फॉर द टाइम पर्सनल अकाउंट को थोड़ा सा एक्टिव करें अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो न्यू अकाउंट की वजह से सम टाइम हो जाता है उसमें इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है आप उस पर कोशिश करते रहो इनशाला हो जाएगा आपका ओके uh, okay, आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रही हूँ आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग में आना चाहता है और कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कोई सवाल है आपका तो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं ग्रुप में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक ओके okay, आप लोगों के साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया है लाइव स्ट्रीमिंग का तो आप लोग प्लीज इस पर क्लिक करके करें लाइव स्ट्रीमिंग को और आप लोग आके यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताएं और उसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है कोई क्यूरी है आपकी रिगार्डिंग कोर्स तो वो आप लोग जरूर शेयर करें और एक और चीज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कल इनशाला जो है हमारा फ्राइडे है कल और फ्राइडे को हम लोग कल प्रिंटर्स का जो तो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और आई रियली really हम उसको कल कवर कर दें उसको कम्प्लीटली हम जो है उसको हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे हमारे आफ्टर प्रिंटेस्ट तो उसके बाद मंडे को इनशाला हम लोग कंटेंट मार्केटिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर हम उस टॉपिक को भी जो है इनशाला इन वीक विद इन वन एंड हाफ वीक जो है उसको कवर करके फिर हम एस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओके uh, okay. बिल्कुल आप लोगों की वेबसाइट जो ब्लॉगिंग है वो इसमें इस, इस कोर्स में जो है वो इंक्लूडेड है और हम आपको कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का वर्डप्रेस का जो होता है इसमें कि वर्डप्रेस पे किस तरह से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी uh, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोग खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और एक और चीज यहाँ पे अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं कि एक तो आप लोग प्लीज आज अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दें आप लोगों का फीडबैक फॉर्म जो है वो एक्टिव है और थर्सडे और फ्राइडे का आपके पास टाइम होता है जिसमें आपने अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना होता है उसके अलावा आप लोग अपनी प्रोफाइल्स के लिंक जो हैं मैंने आपको अभी तक दो फ्री लाग हैं एक फाइवर की और फ्री डॉट कॉम की आप लोग कोशिश करें कि आप इन दोनों प्रोफाइल्स पे अपनी अकाउंट्स क्रिएट कर लिए अगर आपकी प्रोफाइल्स बन की भी हैं तो वो मेरे साथ शेयर कर दें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को अपवर्क भी करवा दूंगी अपवर्क पे किस तरह से आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है उस हवाले से इनशाला ऐसा जी आपने कर दी हुई है उसके बाद उस पर ऐड नहीं हो रहा मेरे साथ आप उसका लिंक शेयर करो स्क्रीन शॉट शेयर करो जहाँ पे आपको वो सबमिट नहीं हो रहा जहाँ आपको यहाँ पे ऑप्शन जो हो रहा है मैं आपको उसके उससे रिगार्डिंग जो है वो गाइड कर दूंगी समटाइम आप लोग इस तरह से पूछ रहे होते हैं कि वो कितना पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होती मुझे अपने एंड पे कि आपने क्या पूछ रहे हो आप क्या बताना चाह रहे हो तो आप अगर स्क्रीन शॉट भेज दोगे ना तो मुझे आइडिया हो जाएगा ओके ग्रेट ओके okay, आप अगर प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट कर लो अगर आप पब्लिकली रखना चाहते हो तो पब्लिकली रख लो अगर आप उस पर अपना पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो और आप चाहते हो तो कि ज्यादातर लोग तो प्राइवेट आपका होगा तो उस पर ज्यादा लोग आपको तंग नहीं करेंगे समटाइम ऐसे होता है कि जब आपका पब्लिक अकाउंट होता है तो हर कोई आपके आंटेंट देख रहा होता है उस पर लाइक कर रहा होता है कमेंट कर रहा होता है और उसके अलावा जो है आपको ज्यादा इशू हो रहे होते हैं लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट कर लेंगे तो फिर ये इश्यूज नहीं होंगे आपका कॉन्टेंट सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं और फॉलो में भी जिसको आप अलाउ करते हो बैक फॉलो करते हो वो ही आपको देख सकता है जिसका आप एक्सेप्ट करते हैं Uh, कहाँ पे आपने पिक सेंड करनी है uh, शेयर कर कर सकते हैं हम आप किस की बात कर रहे हो अभी मैंने आपको जो कहा था वो मैंने इसका कहा था कि आप मुझे इनबॉक्स कर दो स्क्रीन लेके मुझे आप मुझे जो है वो इनबॉक्स कर दो आई मीन्स स्क्रीन शॉट ओके स्क्रीन शॉट बेटा आपने यहाँ पे नहीं भेजना मुझे इनबॉक्स में भेजना है मेरे जो इनबॉक्स है ना मेरी प्रोफाइल का वहां पे आपने ग्रुप में या फिर आपने यहाँ पे कमेंट में नहीं सेंड करना ठीक है आप दोनों का जो भी इशू आ रहा है लेकिन आप लोग अपने मोबाइल फोन से इवन आप स्क्रीन की पिक्चर लो और वो मुझे इनबॉक्स कर दो ओके okay, अगर आपके पास जो है वो ये ऑप्शन आ रहा है कि ऑलरेडी आपका जो ईमेल एड्रेस है वो इस पे यूज़ हुआ हुआ है और आपके पास कोई भी ईमेल नहीं है तो आप किसी और ईमेल आईडी से बना लो न्यू ईमेल आईडी से बना लो मे uh, बी शायद आपकी ईमेल एड्रेस का कोई इश्यू हो जिसकी वजह से वो उस पर अलाउ नहीं कर रहा बिल्कुल आप लोग जो है वो मोबाइल स्क्रीन से जो है वो नहीं हो सकते हैं आप लैपटॉप से जो है वो इस पर लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड हो सकते हैं आप ट्राई करो कि आप इसको लैपटॉप से जो है इस पर ऐड होने की कोशिश करो ताकि आप इजीली हो सकें इस पर आपको इश्यू आता रहेगा किसी तरह से आपने भेज दी है ओके फाइन मैं इसको चेक कर लेती हूँ क्लास के बाद एंड देन मैं आपको रिस्पॉस भी कर दूँगी ठीक है Okay, uh, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ठीक है आपने भेज दिया है तो अः uh, यहाँ पर एक कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी आप आपने से अब आप लोग जो है वो आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से काफी सारी चीजें जो है वो uh, समझ में तो आई गई होंगी आप लोगों ने उस पर uh, काम भी कर रहे हैं और चीजों को लेके चल रहे हैं अब आप लोगों ने जो है फाइबर पे फ्रीलांसर पे तो आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग कोशिश करें कि आपको वहां पे जो है वो काम मिल जाए और चीजें आप जो है उस पर चेक कर लें अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि आप लोग ब्रांड एज अ कंपनी भी आप लोग दे सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी ये सर्विसेज दे रही होती हैं आप भी इन सब कंपनीज को जो है वो विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं कि ये क्या कर रही हैं किस तरह से जो है ये मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और आप भी अगर आप विलिंग हैं आप भी अपना एक वेबसाइट पेज बनाएं और आप भी वो सर्विसेज जो है वो सेल करना शुरू कर दें अगर आप यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ ये कुछ पाकिस्तान की टॉप एजेंसीज हैं जो कि मार्केटिंग की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं ठीक है थीके? अब यहां पर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया चैनल्स जो कवर कर रही हैं ये अगर ये एज अ कंपनी काम कर रहे हैं तो इसमें जो है फेसबुक प्रिंटर्स है ट्विटर है इंस्टाग्राम है बाकी अदर फर्दर यहाँ पर जो है चैनल हैं जो कि ये कवर कर रहे हैं बट मेन जो चैनल्स हैं वो क्या है वो ये चारों जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं लोग उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ मजीद इस पर चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं ये काम करवा रहे होते हैं आप इनसे करवा सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे अदर ये एक और कंपनी है Uh, उनकी वेबसाइट है यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के हवाले से लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पर uh, ट्विटर के बारे में प्रिंटर्स के बारे में और फेसबुक के बारे में जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो आप इस तरह से जो है आप लोग भी ये सर्विसेस प्रोवाइड कर सकते हैं और इवन यहाँ पे मैं आपको uh, मजीद कुछ चीजें बताती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेजेस अगर आप यहाँ पर लिखते हैं पैकेजेस क्या होते हैं कि बहुत सारी जिस तरह से आपने अपने फाइबर अकाउंट पे कुछ पैकेजेस बनाए होते हैं ना कि हम ये ये करके देंगे और इतनी हम हमें पे कर दें आप और इस तरह से जो है द सेम आपके पास ये अगर आप यहाँ पर देखें वन थाउजेंड एट हंड्रेड जो है पर मंथ में वो आपको क्या कितनी पोस्ट बना के दे रहे हैं और किस तरह से वो काम करके दे रहे हैं ये आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं स्टैट्स आ रहे हैं इससे एक और चीज आपको यहाँ पर पता चलती है कि पाकिस्तान में जो लोकल कंपनीज हैं वो क्या चार्ज कर रही हैं वो कितना जो इसकी प्राइस है आप लोगों को बहुत ज्यादा इशकू आ रहा होता है कि प्राइजिंग का कि हम क्या प्राइस जो है वो क्लाइंट को कोट करें और क्लाइंट से क्या डिमांड करें तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में स्टैब्लिश कंपनीज हैं उनके जो पैकेजेस हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आ, ओके फाइन यहाँ पर ये एस के हैं और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है वो एस भी कहा जा रहा होता है इसका शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको यूज कर रहे होते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्टिंग प्लान जो है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ है बिजनेस प्लान जो है वो थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ है फर्दर जो है इसमें प्लान एड किया हुआ है तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं इस पे इसको देख सकते हैं तो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो किस तरह से सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही हैं आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वो मैनेज कर रहे हैं सेटअप करके दे रहे हैं आ, और आई थिंक सो कि अब आफ्टर सोशल मीडिया कोर्स जो मैंने आपको करवाया है उसके बाद आप लोग भी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं इस पे काम कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे और आपको काफ़ी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिगार्डिंग आपको मिली होगी होपफुली अब आप लोगों का काम है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और इससे रिजल्ट लें ओके uh, फाइन okay, अब मैं आप लोगों की कुछ प्रोफाइल्स जो है वो रिव्यू कर लेती हूँ uh, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारी प्रोफाइल चेक कर लें प्लीज uh, आप लोग अगेन जो है वो मुझे अपने सीरियल नंबर जो है वो शेयर कर दें ताकि मैं आपकी प्रोफाइल जो है वो रिव्यू कर लूँ ओके okay, आपकी जो प्रोफाइल है मैं ऑलरेडी भी इसको रिव्यू कर चुकी हूँ यहाँ पे मज़ीद आप अपनी स्किल्स को मेंशन करो ठीक है और उसके अलावा आप अपनी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड करो आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं आ रही है आपके पास जब आप अपनी प्रोफाइल पे एडिट कर रहे होते हो तो आपके पास आ रहे होते आ, पब्लिक मोड आपने वहाँ से देखना है कि आपकी जो है पब्लिक मोड पर जब आप करते हैं तो आपकी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है तो आप उसको चेक करो और उसमें ऐड करो अपनी डिस्क्रिप्शन अगर आपने नहीं की हुई है uh, यहाँ अब आपकी गिग्स का जो है uh, आपने तीन जो है वो ऐड की हुई फर्स्ट वन जो है वो डाटा एंट्री uh, से रिलेटेड है uh, ये अच्छी गिग है आपकी ये टेक्स्ट जो है वो आपका एंट्री एंड कॉपी पेस्ट वर्क उसको आप वाइट में कर दो तो आई थिंक so, वो ज्यादा रीडेबल हो जाएगा uh, उसके अलावा जो है आपकी दो अदर वन जो है जो गिग है आपने यहाँ पे एटी पिक्चर्स और फोटोज के हवाले से वीडियोस के हवाले से जो है वो एड की हुई है उसके अलावा यहाँ पे आपने रिज्यूमे के हवाले से की भी है रिज्यूमे का जो यहाँ पे आपने ये बैनर ऐड किया हुआ ना ये बैनर अच्छा नहीं लग रहा मुझे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा और इवन जब आपकी ये गिग जो है वो डिस्प्ले में जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ रिज्यूमे आपने लिखा हुआ आपका कॉन्टेंट अच्छा है लेकिन आप इसकी जो बैनर है ना रिज्यूमे का वो कुछ अच्छा करो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ रिज्यूमे राइटिंग रिज्यूमर राइटिंग में अगर आप यहां पे आओ तो जैसे ये है, ये का है, ये से related है है का जॉब से रिलेटेड है इवन आप इस तरह की पिक्चर ऐड कर दो ये पिक्चर इस तरह की कोई पिक्चर ऐड कर दो वो ज्यादा इफेक्टिव है आपकी जो पिक्चर है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इसलिए आप कोशिश करो कि उसकी पिक्चर को जो है वो आप चेंज करो कुछ इस तरह की पिक्चर ऐड कर दो कुछ ऐसी पिक्चर ऐड कर दो वो ज्यादा इफेक्टिव है इवन ये पिक्चर बहुत बेस्ट है तो इस तरह की चीजें ऐड करो उससे ज्यादा अच्छा इम्पेक्ट आएगा आपकी गिग पे बाकी ऑल ओवर आपकी गिग अच्छी थी उसके अलावा ये पिक्चर जो है इसमें आप देखो एच डी पिक्चर्स और फोटोस फॉर एग्जाम्पल आप इसी को लिख के जो है यहां पर फाइंड एच डी पिक्चर्स ठीक है आप यहां पर सर्च करो तो यहां पर आपकी जो है इस पे फर्स्ट पे आ रही है आपकी और अदर वन आप अगर देखो यहां पर जो अदर पिक्चर्स आ रही हैं अब आपने कुछ चीजों को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि अब ये भी ना हो कि जो चीज आप ऑफर कर रहे हो या जिस तरह से आप ऑफर कर रहे हो उसको कोई भी नहीं ले रहा हो तो उसको थोड़ा सा चेंज करो अपना इसका जो टेम्पलेट है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखो क्योंकि ये यह यहाँ पे जो गिग्स हैं वो डिफरेंट तरह की हैं और आपकी जो थी वो डिफरेंट तरह की गिग है तो उसको थोड़ा सा जो है जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो जो बिल्कुल रेलिवेंट है आप, आपकी पिच, आपकी गिग से जो पिक्चर्स गिग्स हैं सॉरी उन गिग्स को आप थोड़ा सा स्टडी करो कि इस तरह की जो गिग है उसकी रिक्वायरमेंट उससे उस पर जो है वो काम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा और किस तरह की रिक्वायरमेंट है लोगों की जैसे ये ऑलरेडी कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें जो है वो आप फाइंड करके दो आप उस पर चीजें करो तो देन आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ठीक है अच्छा टॉपिक आपने एक सेलेक्ट किया हुआ बट उस पर थोड़ा सा जो है मजीद इस पर मेहनत करो ओके दैट्स ग्रेट आपने काफ़ी सारी जो है वो प्रोफाइल पे अपनी गिग्स ऐड की हुई हैं और अच्छी लग रही है मुझे ये सारी गिग्स के थंबनेल बहुत अच्छे लग रहे हैं अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये जो आपने वर्कशीट का ऐड किया हुआ है सबसे ज्यादा अमेजिंग ये लग रहा है जो आपने पावर पॉइंट का ऐड किया हुआ है बहुत अच्छा है उसके अलावा यहाँ पे आपने इंगेजिंग वाइट बोर्ड वीडियोज के हवाले से जो ऐड किया हुआ है अमेजिंग बहुत अच्छा लग रहा है ये फाइन okay, अच्छी है आपकी गिग और मुझे थंबनेल आपकी प्रोफाइल अच्छी है मजीद इस पे आप इसको लेके चलो आगे फर्दर और बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करो इनशाला आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस पर मिलेंगे ओके okay, फाइन आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन यूनिक सीवी अच्छा जी Uh, इसमें आप रिज्यूमे का वर्ड भी ऐड कर दो ठीक है और डिजाइन एंड राइटिंग का वर्ड ऐड कर दो ठीक है अब आपने क्या करना है अपने टाइटल में जो है एक तो रिज्यूमे का वर्ड यूज करना है सेकंड जो है आपने इसमें राइटिंग और डिजाइन का वर्ड यूज करना है ठीक है बाकी ऑल ओवर आपकी बहुत अच्छी है ये जो बैनर है इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो uh, बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छी है आपकी बेस्ट ऑफ लक ओके okay, फाइन आपका ओके okay, पहले दो तो मैं आपकी चेक कर चुकी हूं आपकी अच्छी गिग्स थी अच्छा है लेकिन कुछ चीजें करो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखो और यहाँ पे जो आपने ऐड की भी अपनी आ, जो है यहाँ पे ये जो किया हुआ है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड किया हुआ है इसके अलावा भी आप कुछ इंटरनेट से डिजाइन करके खुद से सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करो उसका एक ज्यादा इम्पेक्ट होगा क्योंकि okay, फाइन आपकी मैथ uh, जो है वर्कशीट्स डिज़ाइन uh, और उसके अलावा डेटा एंट्री की गिग है और आपकी गिग अच्छी लग रही है बैनर थंबनेल आपके जो है वो दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे रीडेबल है समझ में आ रहे हैं अच्छे हैं आपका ये जो गिग है ये वाली इसके अंदर थोड़ा सा और मजीद कंटेंट ऐड करो बाकी आपकी अच्छी है इसकी रैंकिंग वगैरह चेक करो कि आपकी गिग कहाँ पे शो हो रही है कौन से नंबर पे शो हो रही है आई थिंक तो वो ज्यादा आपको Okay, आपकी जो गिग्स हैं आपने मजीद इसपे दो गिग्स ऐड की हुई हैं एक तो बैकग्राउंड के हवाले से और दूसरा जो है वो रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से ऑल ओवर आप मुझे अच्छी लग रही है आपकी प्रोफाइल भी और आपके आपकी आपने जो थंबनेल बनाए हैं वो भी अच्छे हैं यहाँ पे देखिए इस तरह का कवर अगर होगा तो आपका एक अच्छा लग रहा होता है फील आ रही होती है कि आप रिज्यूमे डिजाइन करके दे रहे हैं या रिज्यूमे में बना के दे रहे हैं तो उस चीज़ को समझ में आ रहा होता है लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल एक सिंपल uh, सा एक ब्लैक कलर के बैनर एड कर देंगे तो उससे कभी भी वो चीजें कोई भी नहीं समझ सकता कि आप क्या काम कर रहे हो किस तरह से आप सर्विस जो है वो करके दे रहे हो uh, बाकी आपकी ऑल ओवर बहुत अच्छा है अच्छा टाइटल है आपका आप भी इसको चेक करो कि आपकी जो गिग है वो कौन से नंबर पे शो हो रही है ओके okay, फाइन आपने ये ऐड किया बैकग्राउंड के हवाले से फाइन ठीक हो गया अच्छी है आप इसको भी चेक करो कि आपकी ये कहाँ पे शो हो रही है और किस कौन सी नंबर पे कौन सी पोजीशन पे जो है वो आपकी गिग आ रही है ओके uh, okay. मैंने लास्ट टाइम जब आपकी प्रोफाइल चेक की थी uh, तो उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी ये जो गिग है इसका थंबनेल चेंज करो इसकी बैकग्राउंड जो इमेज है ना उसको प्लेन एक कलर में कर दो और ये इमेज एक साइड पे कर दो ताकि वो ये टेक्स्ट रीडेबल हो जाए उसके अलावा यहाँ पे जो आपने ऊपर एड किया हुआ टाइटल उसको जो है वो किसी ब्लैक कलर में कर दो ताकि वो रीडेबल हो जाए ये रीडेबल नहीं है अभी फॉर द टाइम और यहाँ पे ये टेक्स्ट देखो ये बिल्कुल Uh, जो है वो बिल्कुल uh, समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखना चाहे येलो पेज लेंक इंस्टाग्राम इनके लोगो थोड़े से छोटे कर दो और इनको एक लाइन में ले आओ इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है बाकी ऑल ओवर आपकी प्रोफाइल अच्छी है मैंने ऑलरेडी uh, पहले भी चेक की थी ठीक है आप खुद से इसको चेक करो एक दफा कि आपकी कौन सी पोजीशन पे जो है वो शो हो रही है आपकी ईमेल सॉरी आपकी गिग और फर्दर जो है इसके जो थंबनेल हैं उस पर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इवन यहाँ पे जो आपका यूजर नेम आ रहा है उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क और अदर जो इसमें चीजें आ रही है ये टेक्स आ रहे, इसको रिमूव कर दें ठीक है और इवन आपको ये एच पी एच टी टी पी एस जो है और डब्ल्यू डब्ल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है सिर्फ फाइवर डॉट कॉम फॉबर स्लैश और यूजर नेम जहाँ जीरो फोर तक आप लिखो बाकी का टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर दो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप इसको चेक करो क्योंकि अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपको कभी भी आइडिया नहीं होगा कि आपकी बिग कौन से पेज पे है अच्छी रैंकिंग है नहीं है आप उसको खुद से चेक करो खुद से इस पर थोड़ा सा टाइम लगाओ और उसके अलावा इसकी शेयरिंग वगैरह पे आप देखो इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म वगैरह पे शेयर करो और मजीद इस पर काम करो इनशाला अच्छी जो है इस पर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ऑल ओवर अच्छी है आपकी जो गिग्स है आपकी अच्छी आपने कॉन्टेंट अच्छा यूज किया था इमेजेस अच्छी यूज की हुई है तो ये चीजें होती है जिससे आपका क्लाइंट जो है वो आपको आपसे आप कॉन्टेक्ट करता है तो कोशिश करो इस पे इनशाला हो जाएगा आपका ठीक है थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इनशाला कल फ्राइडे है कल क्लास जो है वो आप लोगों की टेन फोर्टी फाइव पे है तो टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा उसके अलावा आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दें जिन बच्चों की अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं हुई वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें थैंक यू सो मच इनशाला कल मिलते हैं